मैं नरेश रागानी स्वागत करता हूँ आपका हॉराइजन नेट न्यूज पर। आइए देखते हैं अजमेर शहर की बड़ी खबर। पैराग्लाइडिंग के रोमांच को देखकर सैकड़ों लोगों ने आर्मी से जुड़े लोगों ने पैराग्लाइडिंग कर फहराया तिरंगा। मिलिट्री स्कूल के विद्यार्थियों ने दिखाया देशभक्ति का जज्बा। मिलिट्री स्कूल में आज का दिन खास रहा। निश्चित तौर पर विद्यार्थियों को पैराग्लाइडिंग के अद्भुत और रोमांचित कर देने वाले नज़ारे देखने को मिले। भारतीय सेना की एक टीम ने विद्यार्थियों में सेना के साहसिक कारनामों के प्रति विश्वास और जज्बा बनने के लिए बेहतरीन आयोजन कर लोगों का मन जीत लिया। जमीन से सैकड़ों मीटर की ऊंचाई से नीचे आते ये पैराग्लाइडर भारतीय तिरंगे के सपने को साकार कर रहे थे। इस साहसिक कारनामों को देखने के लिए मिलिट्री स्कूल के प्रशासन सहित सैकड़ों की संख्या में विद्यार्थी और अभिभावकों ने सलाम किया। पूछिए क्या पूछना है। अच्छा मैं बताता हूँ, हम जिन सब लोगों ने आज जंप किया, हम सब पैराशूट जंप इंस्ट्रक्टर हैं। हम लोग आगरा में बेस्ड हैं। हमारा बेसिक कार्य जो है वो है भारतीय सेना, जिसमें वायु सेना, थल सेना, जल सेना, इसके जो स्पेशल कमांडोज हैं हम उनकी पैरा ट्रेनिंग कराते हैं। जो भी मरून बैरे यानी पैरा वाली टोपी वाला आपको जवान दिखाई देगा, यानी वो जवान या वो अफसर PTS आगरा में ट्रेंड हुआ है। हमारा बेसिक कार्य है आर्मी के जो स्पेशल फोर्सेस के बंदे हैं उनको कल को अगर पैरा ऑपरेशन करना पड़े तो वो कैसे करना है, किस हिसाब से करना है, वो सारा प्रशिक्षण हम लोग आगरा में देते हैं। अजमेर में जो आज आपने किया है, किस तरह का मोटिवेशन है बच्चों को देना? जी अजमेर मेरे लिए ही मोटिवेशन की बात है। मैं इस स्कूल में पढ़ा हूँ, इस ग्राउंड में मैंने बहुत भागा दौड़ी करी है, तो इससे अच्छी खुशी की और क्या बात हो सकती है। दैट आई गेट ए चांस टू जंप एट द सेम प्लेस वेयर आई डिड माई स्कूलिंग। और अजमेर वासियों का बहुत बहुत धन्यवाद, खास करके इस स्कूल के स्टाफ का, प्रिंसिपल का, जिन्होंने हमें ये सौभाग्य दिया कि हम आके यहाँ पे डेमोंस्ट्रेशन कर सकें। आज की नई पीढ़ी है उसको क्या संदेश देना चाहिए? स्कूल देखिए, आर्मी से अच्छी कोई नौकरी नहीं है। आपको पूरा रिस्पेक्ट मिलता है। कहीं भी आप जाएं, अगर आप किसी को ये बोलते हैं मैं फौजी हूँ, तो हर कोई आपको उस इज्जत के साथ देखता है। इससे ज़्यादा और जीवन में क्या चाहिए? तो बहुत से अच्छी कोई नौकरी नहीं। और मैं चाहूँगा जितने यंगस्टर हैं सारे मोटिवेट हों और आर्म्ड फोर्सेस के लिए ऑप्ट करें। थैंक यू। मेरा नाम विंग कमांडर गजानंद यादव है, स्कूल का नंबर 1524। शिक्षक बेरोजगार संघ के नेता भूपेंद्र यादव की हालत बिगड़ी, जेएलएन अस्पताल के ICU में कराया भर्ती। कांग्रेस नेता जेएलएन पहुंचे मिलने के लिए। शिक्षक बेरोजगार संघ के अनशन पर बैठे नेता भूपेंद्र यादव की तबीयत काफी बिगड़ चुकी है। भूपेंद्र यादव को उपचार के लिए जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के ICU में भर्ती कराया गया है। भूपेंद्र यादव शिक्षक भर्ती परीक्षा के रोके गए परिणामों की मांग को लेकर लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। अस्पताल में भर्ती कराने के बाद भूपेंद्र यादव से मिलने के लिए कांग्रेस नेता महेंद्र सिंह रलावता, विजय जैन सहित अन्य नेता अस्पताल पहुंचे। इन नेताओं ने वसुंधरा राजे सरकार के कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए उसे बेरोजगारियों के प्रति असंवेदनशील बताया। भूपेंद्र यादव जो शिक्षक बेरोजगार संघ के यहाँ नेता हैं, वो और अन्य सावरलाल शर्मा दूसरे सब जने यहाँ भी मौजूद हैं, इसकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई, ICU में भर्ती है। कल हमारे एक शिष्टमंडल में हमने भेजा था कांग्रेस का, जो इनको देख के गया था और ICU में यहाँ भर्ती कराया इनको। अब इनकी स्थिति इतनी ख़राब हो गई और सरकार के यहाँ जो है इतने नेता बैठे हैं और मंत्री बैठे हैं, कुछ शिक्षा मंत्री अजमेर में बैठे हैं, लेकिन इनको देखने तक नहीं आए। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सरकार बिल्कुल सुध नहीं ले रही है। सर्दी में दिन रात अगर कोई आदमी वहाँ पड़ा हुआ है, अनशन पे बैठा हुआ है, रोड पे खुले उसमें, और उसको संभालने के लिए सरकार नहीं, तो सरकार की बहुत बड़ी लापरवाही है। सरकार वादा खिलाफी कर रही है। जब इनको रोजगार देने की बात की, आज इनके परीक्षाओं के परिणाम रोक रखे हैं। आज इनको 2014 के बाद से जब से भी इनकी जो भी टेंडेंसी है उसको क्लियर करें और इन लोगों को रोजगार दें। आज युवाओं को झूठे वादे करके सरकार यहाँ अपनी सत्ता हासिल कर ली कि हम जो है 15 लाख नौकरियाँ देंगे प्रतिवर्ष, और इस तरह से जो झूठे झूठे लुभावने वादे करके सरकार आई है, जबकि जिन लोगों ने एग्ज़ाम पास कर लिया है उनके रिजल्ट रोक के उनकी मंशा है सरकार की कि भाई हम किसी को राहत नहीं दे सकते और यहाँ रोजगार प्रदान करना चाहती नहीं है सरकार। तो मैं तो सरकार के खिलाफ मतलब इतनी बात करता हूँ कि मुख्यमंत्री जी आपको इस पद पर रहने का अधिकार नहीं, और शिक्षा मंत्री जी को यहाँ अगर इनकी आगे सुध नहीं ली है उन्होंने, तो शिक्षा मंत्री के लिए भी एक बहुत लानत की बात है कि इतने बड़े अहदे पे बैठ के अजमेर शहर के अंदर जब RPSC के बाहर जब धरने पे बैठे हुए लोग हैं सर्दी में, अगर उनकी सुध नहीं ले रही है। आज जानवरों की भी सुध अगर आदमी ले लेता है
और उसमें कोई वो नहीं है कि आज अपने जानवर को भी आदमी संभाल के रखता है, ढको ओढ़ के रखता है, और इतनी सर्दी में उन्होंने रोड पे खुले पटक रखा है। तो इसके लिए मैं बहुत निंदा करता हूँ भारतीय जनता पार्टी के या नेताओं की या मंत्री की, और अगर इनकी सुध नहीं ली उन्होंने तो निश्चित तौर पर ये आंदोलन एक उग्र हो जाएगा। और युवा का आंदोलन जो है किसी के बस की नहीं होता, फिर रोकना। आज युवाओं को रोजगार देना सरकार का परम दायित्व है, और सरकार जिस तरह से वादे करके, युवाओं ने वादे करके आई है सत्ता में, और इनके अगर आप इनको रोजगार नहीं देगी सरकार और इनको इस तरह रख रखा। आज आरपीएससी का हाल क्या है, आरपीएससी में अध्यक्ष पद खाली पड़े हैं, आरपीएससी में कई पद खाली पड़े हैं। आज उस जगह को आरपीएससी में जब भर्तियों के लिए आपने परीक्षा ली, परीक्षा लेने के बाद उनकी भर्तियों को किस वजह से आपने रिजल्ट को रोक रखा है, किस वजह से, क्या सरकार की मंशा नहीं है इनका कार्य करने की, तो मैं इनकी घोर निंदा करता हूँ। सर अनशन के लिए कुछ कर रहे हैं आप? अनशन के लिए मैं बात करूँ कि सरकार तो आग मींच के बैठी है, सर्दी में लोगों को मरने की स्थिति में आ रहे हैं, तो हमारा प्रयास है कि भाई हमारे भाई लोग युवा साथी जो है अगर अनशन तोड़ दें मैं और हम सरकार के खिलाफ जो लड़ाई होगी उसमें उनका साथ देंगे, और हम कुछ इसकी लड़ाई के लिए लड़ेंगे, और आरपीएससी में भी अगर हमें कोई टकराव करना पड़ा तो हम करेंगे। सेफ्टी मिशन को लेकर रेलवे एम्प्लॉयज ने किया प्रदर्शन, रेल मंत्रालय को दी चेतावनी, कर्मचारियों की असुरक्षा नहीं की जाएगी बर्दाश्त। इंजीनियर्स रेलवे एसोसिएशन की ओर से रेल कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर प्रदर्शन किया गया। कर्मचारियों ने दो टूक शब्दों में कहा कि किसी भी हाल में रेल कर्मी की असुरक्षा स्वीकार नहीं की जाएगी। रेल कर्मियों ने वेतनमान सहित कर्मचारियों को मिलने वाली अन्य सुविधाओं को भी बढ़ाने की मांग की है। इन्होंने केस लड़के मतलब इंजीनियर फेडरेशन, ऑल इंडिया रेलवे इंजीनियर फेडरेशन के आह्वान पर पूरे भारत के अंदर एक सेफ्टी मिशन के नाम पर धरना दिया जा रहा है कि रेलवे में हम जो सेफ्टी के विभिन्न आदेश जारी होते हैं या सेफ्टी के नाम पे विभिन्न जो मीटिंगें बनती है, उन मीटिंगों में जो निर्णय होते हैं और उन निर्णयों को लागू करने के लिए जो सिफारिशें दी जाती है, उन सिफारिशों को अधूरा ही बीच में छोड़ दिया जाता है, तो उन चीज़ों को लेकर के आज धरना दिया जा रहा है। साथ ही रेल इंजीनियरों की विभिन्न मांगे, जैसे कि रेल इंजीनियर्स में जूनियर इंजीनियर, सीनियर सेक्शन इंजीनियर जो हैं वो आज भी ग्रुप सी में रखे हुए हैं, और पूरे भारत के जितने भी जूनियर इंजीनियर हैं वो ग्रुप बी के अंदर, यहाँ तक कि भारत के डीओपीटी का जो राजपत्र निकलता है उसके अंदर भी अभी लेटेस्ट में सातवें पे कमीशन के बाद में 8 दिसंबर 2017 को लेटर निकाला गया, आदेश निकाला गया कि उसके अंदर ग्रेड पे 4200 या पे मैट्रिक्स लेवल जो 6 और इससे ऊपर के रखे गए थे, इन सबको ग्रुप बी में रखा गया। लेकिन रेलवे के अंदर एक बड़ी विडंबना है कि इन सबको ग्रुप सी के अंदर ही अभी ट्रीट किया जा रहा है और लेबर फेडरेशन के साथ में रखा। साथ ही सुरक्षा कमेटियों ने विभिन्न, जैसे कि सिकरी कमेटी है, वांचू कमेटी, और हाल ही में खराया एक्सीडेंट के बाद में एक सेफ्टी कमेटी गठित की थी रेलवे ने, टास्क फोर्स ऑन सेफ्टी, उसमें उन्होंने क्लियर सिफारिश की थी कि रेलवे के जो जूनियर इंजीनियर और सीनियर सेक्शन इंजीनियर्स हैं इनको एम्पावर्ड किया जाए, इनको अपनी ही ट्रेड यूनियंस बनाने के अधिकार दिए जाएं, ये इनको अपना रेलवे के जो पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट है प्रेम उसके अंदर भागीदारी दी जाए, इनको पीएनएम के अधिकार दिए जाएं, और इनको उनका जो पुराना स्टेटस जो खो गया था, यानी कि किसी जमाने में रेलवे का इंजीनियर एक अपने आप में एक अहम कड़ी हुआ करता था, आज भी अहम कड़ी है, तो इनको उच्च दर्जे दे करके इनके स्टेटस को वापस बहाल किया जाए और इनको उच्च श्रेणी में रखा जाए। लेकिन रेलवे अभी भी उन कमेटी की सिफारिश को, यानी जो टास्क फोर्स कमेटी की सिफारिश है, उसको पूरी तरह से लागू नहीं कर रही है, और इसको अभी ट्रेड यूनियन से अलग करके इंजीनियरों को इनकी अपनी ट्रेड यूनियन बनाने के लिए रेलवे बोर्ड ने एक आदेश भी जारी किया था जिसकी लास्ट डेट मार्च 2017 रखी गई थी, 31 मार्च 2017, लेकिन धीरे धीरे करके उस डेट को वापस एक्सटेंड करते जा रहे हैं। राजस्थान लोक नृत्य के लिए होगा शिविर, कोरियोग्राफर बनने के लिए सिखाए जाएंगे तरीके, गौतम स्कूल में होगा चयन शिविर। राजस्थान कला संस्कृति विभाग की ओर से राजस्थान की लोक कलाओं को और संस्कृति को लोगों तक पहुंचाने के लिए शिविर आयोजित किया जाएगा। शिविर 17 दिसंबर को गौतम स्कूल में होगा। शिविर में राजस्थान कला एवं संस्कृति से जुड़े लोगों को व्यावसायिक तरीके से कार्यक्रम प्रस्तुत करने का प्रबंधन सिखाया जाएगा। राजस्थान सरकार कला एवं संस्कृति विभाग की तरफ से ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है यहाँ पे अजमेर संभाग पर, जिसमें राजस्थानी लोक नृत्य प्रशिक्षण शिविर का आयोजन श्री गौतम स्कूल हाथीभाटा में हमने ये आयोजन का केंद्र रखा है, जिसमें कि डांस टीचर एवं कोरियोग्राफर किस प्रकार बना जाए हमारा प्रमुख उद्देश्य ये है। इसलिए हमने अपने जो पैम्पलेट वगैरह और जो प्रचार प्रसार किया है उसमें जो डांस पहले से जानते हैं उनको हमने इसमें
चयन करेंगे, जिसमें 50 प्रतिभागियों का हमारे द्वारा चयन किया जाएगा, जो कि 17 तारीख को अपने गौतम स्कूल में ही उसका चयन किया जाएगा, जिसमें कि 15 साल से लेकर के 30 साल तक के लोग उसमें भाग ले सकते हैं, और जो इसमें वंचित रह गए फॉर्म भरने से आवेदन से, तो ऑन स्पॉट भी उसी दिन वो अपना आवेदन भर सकते हैं, जिसके लिए कोई शुल्क नहीं है, निःशुल्क है ये सारी चीज़ें। इस दौरान 10 दिवसीय शिविर में उनको चाय नाश्ता वगैरह खाना वगैरह वो सारा सरकार की तरफ से निःशुल्क हमने व्यवस्था रखी है उनके लिए, और हम चाहते हैं कि ये डांस जो कल्चर है इसको लोग मनोरंजन तक ही सीमित ना रखें, हमारा उद्देश्य है इसको रोजगार परक बनाना, और इसमें रोजगार कैसे मिलेगा, रोजगार कैसे हम जरिया बना सकते हैं इसको, वो प्रमुख चीज़ें हैं। और डांस में कुछ टेक्निकली चीज़ें होती हैं, क्योंकि डांस जब प्रतियोगिता होती है ना, वो चीज़ें उस दौरान नज़र आती हैं कि इसमें टेक्निकल क्या है और हमारा नंबर क्यों नहीं आया, तो वो टेक्निकल चीज़ें हम सिखाते हैं और उन सब चीज़ों की जानकारी देते हैं, ये हमारा प्रमुख उद्देश्य है। धन्यवाद। आपका नाम? मेरा नाम जयसिंह सिंसनवार, प्रबंध निदेशक लोहागढ़ संस्कृति एवं सामाजिक संस्थान भरतपुर। बेटे के करतूत से परेशान बाप पहुंचा पुलिस कप्तान के पास, बेटे पर लगे हैं दूसरे की पत्नी को भगाकर ले जाने के आरोप, बेटा खुद भी है शादीशुदा। मसूदा का रहने वाला एक व्यक्ति अपने बेटे की करतूत से परेशानियों का सामना कर रहा है, मजबूर होकर उसने पुलिस कप्तान के पास पहुंचकर सुरक्षा की फरियाद की है। पुलिस कप्तान को दिए गए ज्ञापन में बताया कि उसके बेटे पर कुछ लोगों ने एक महिला को बेला फुसला कर ले जाने का आरोप लगाया है, जबकि उसका बेटा शादीशुदा है और एक बेटे में बेटी का पिता भी है। कुछ दिनों पहले ब्यावर के कुछ लोग उसके साथ मारपीट करने पहुंचे थे, वही लोग जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉग इन करें poisonhim.com। सच के साथ।